हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज मैं आपको अपना लेजर दिखाने वाला हूँ। इसका रीजन ये है कि मेरे को जब मैंने ये वाली एक्सपायर ट्रेडिंग वीडियो डाली थी लगभग एक महीने के बाद लाइव ट्रेडिंग की वीडियो, तो मेरे को उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट ये आ रहे थे। देखो गाइज, मेरे को पसंद करने वाला भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और कुछ नापसंद करने वाले भी लोग हैं, ठीक है। बट मेरे को उससे मतलब नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोग को कमेंट ये आ रहा था कि मैं अपने केवल प्रॉफिट वाली वीडियो को ही डालता हूँ, बाकी सारे वीडियो को नहीं डालता हूँ। तो आज मैं उसके लिए आपको अपना लेजर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा मैं करना जरूरी नहीं समझता, बट कुछ लोगों के माइंड में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ठीक है यार, जब मैं करता हूँ तो हाँ, मैं अपने लॉस वाले ट्रेड को छिपा लेता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं क्यों करता हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा, पूरा वीडियो देख लेना। अगर आपने ओपन किया तो बिना स्किप किए मुझे ना काफ़ी छोटी में वीडियो बनाने वाला हूँ। चलो मैं सीधे वीडियो अपने मोबाइल स्क्रीन को आपको बगल में दिखा देता हूँ, तो आपको मैं लाइव सब कुछ दिखाऊंगा गाइस। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ सब कुछ। तो अब मैं अपने एंजल के अकाउंट को लॉगिन करने जा रहा हूँ, तो मैं एंजल को लॉगिन कर लूँ पहले। तो यहाँ से मैं एंजल को लॉगिन कर लेता तो पहला मैं कट कर देता हूँ, फिर से मैं लॉगिन करूँगा, तब आपके सामने लॉगिन भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि हमने एंजल को लॉगिन कर दिया है, ठीक है। ये हमारा फंड्स है। अब यहाँ से मैं व्यू ट्रांजेक्शन, यहाँ चलता हूँ एंड व्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। मैं तीन चार बार पहले रिफ्रेश करना देख लो, रिफ्रेश है, रिफ्रेश है, रिफ्रेश है। जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार रिफ्रेश करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा इसमें देखो लास्ट 10 ट्रांजेक्शन दिखता है शॉर्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोने में बाएं साइड में दिख रहा होगा सबसे ऊपर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन। तो 22 जून को, जैसा कि आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो भी 22 जून का है, सबसे नीचे आपको मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गाइस जो 22 जून का है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि -51। तो ये हमारा कोई बेसिकली ट्रेड नहीं था, ये हमने कुछ चेक कर रहे थे, तो इसके लिए चार्जेस वगैरह कटे हैं, ठीक है। मैंने एक और ऑर्डर हेजेस लगाए थे और बाई क्या सेल कर दिया, तो इसमें 51 रुपीज़ मेरे माइनस हुए हैं। ये आप लॉस समझो या जो समझना उसे समझो। उसके बाद आप डेट भी देखते जाना गाइज, मैं डेट वाइज वीडियोज भी दिखाऊंगा। 23 जून आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट भी देखते जाना। 23 जून 2021 को 13,065 रुपये का प्रॉफिट। अब मैं आपको अपने यूट्यूब वाले वीडियो में सीधे दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है। 23 जून को ये वाली वीडियो हमने अपलोड की थी, देख लो गाइस, वीडियो भी देख लो। Writing's not ये आप that डेट easy, देख सकते हो, but यहाँ पर Grammarly आपको can दिख रहा होगा help. 23 जून, ठीक This है। ये sentence ऐड आ is रहा है, मैं इसे grammatically स्किप correct. कर देता हूँ। एंड इसमें आपको प्रॉफिट दिख जाएगा कि मैंने 13,000 रुपये का प्रॉफिट हमने किया था। एंट्री ली है गाइस, मैं और इसका आपको एक बार वीडियो के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगा, तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ। प्रॉफिट वाला सीन किधर है, हाँ इधर के आसपास होगा। आप देख सकते हो इसमें 13,200 का समथिंग का प्रॉफिट हमने किया था। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 13,237 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। देख सकते तो हैं इसके कि बावजूद हमने गाइस आज कुछ तेरह ब्रोकरेज वगैरह हजार करते दो हैं, तो सौ उसके रुपये बाद का हमें प्रॉफिट 13,000 रुपये बुक किया, का ठीक है। टारगेट प्रॉफिट हम लोग का ऑलमोस्ट हिट क्रेडिट हो मिला, ठीक चुका है। है, ये 13 जून 15,000 वाले से हम लोग का को टारगेट क्लियर हो था चुका है, जो तो अब मैं हमने भी चलो हिट इसके हो बाद का चुका है। दिखाता अब हूँ। मार्केट इसके नीचे जाएगा इसके तो फिर हम बाद का जो लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस थी, ये प्रॉफिट और लॉस ये वाला सीन था। इसमें देखो 28 जून का फिर ट्रेड है ना, 28 जून का देख सकते हो आप। 23 जून के बाद हमने 28 जून को ट्रेड लिया जिसमें 2,111 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो अब हमने 28 जून की वीडियो को भी प्ले कर लिया है साथ में, तो तो इसमें आप गाइस प्रॉफिट जैसा कि देख आपने सकते हो। देखा प्रॉफिट कि का मेरा क्या सीन है गाइस, ये वीडियो है, जब भी मैंने ट्रेड लिया तो आपके साथ व्यू शेयर क्या था जरूर मैं किया बता है। देता हूँ, देख सकते हो 2,105 अगर इस ट्रेड में रुपये का मेरा इसमें आपको टारगेट हिट प्रॉफिट होता यहाँ तो पर मेरे दिख को रहा होगा। अप्रोक्स, आप जूम करके देख लेना, वीडियो को प्ले करके देख लेना। तो कुछ ब्रोकरेज वगैरह कटने के बाद 2,111 रुपये का प्रॉफिट मेरे को मिला, ठीक है। इसके बाद कितना का प्रॉफिट क्रिएट हुआ है, तो इसके बाद हमने कब ट्रेड किया, मैं रिफ्रेश भी करता जा रहा हूँ, देख लो आप। रिफ्रेश भी बाबा मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि रिफ्रेश भी नहीं किया। आप रिफ्रेश करके देखते रहो, ठीक है। इसके बाद हमने 29 जून को ट्रेड लिया है इधर के आसपास, ठीक है। 10,000 का प्रॉफिट है 29 जून। आप डेट भी देखते जाना, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर दूं इसे, तो 29 जून को हम मेरे मेरे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो 29 जून की वीडियो को देख लो क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ है। तो इसके बाद का वीडियो ये है, 14,000 का प्रॉफिट, ठीक है। देखो
ये ट्रेड में हम मेरे को 14,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस ट्रेड को एग्जिट करने के बाद So, जैसे यहाँ मैंने पर अभी आप कुछ लोग देखोगे डिलीवरी दोस्तों, मेरा जो पोजीशन के लाइव हेजेस अभी को चल रहा बाय है किए टू थे, लाख की जिसके आया हूँ ना, आज हम वजह लोग से ऑप्शन के मेरे अंदर को का ओवरऑल सब कटने पिटने के बाद 10,000 रुपये का नेट चार क्रेडिट लाख के मिला जगह था। मार्जिन ठीक है, आया, और आप हमने पूरी हेज वीडियो को कितना देख लूं लेना, क्या मैं वो पूरी भी आप वीडियो को नहीं देख लूं। बताऊंगा, आप थंबनेल से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप गाइस देखो, देखो, हमने मैं आपको 15,750 दिखा दूं, चलो का अच्छा कॉल, जब मैं आ जाता हूँ तो आपको दिखा भी दूँ, शायद आपको दिख जाके जाए। आप देख सकते हैं कि अभी मेरे को तो अभी अप्रॉक्स तो 6,000 प्रॉफिट समथिंग का चल रहा प्रॉफिट है, चल रहा है, इधर और प्रॉफिट मार्केट में जरूर अभी मैं दिखाया हूँ आपको 10:48 मिनट हो रहे हैं। इनके ठीक है, एक तो सेकेंड। अगर गाइस, तो हाँ, गाइस इधर फाइनली आज देखो, हमने 14,437 रुपये का चौदह हजार प्रॉफिट रुपये बुक का किया समथिंग है। का तो प्रॉफिट मिलते हैं हुआ फिर था नेक्स्ट मेरे वीडियो में, को, तब तक ले पाए। तो और अगर जिसकी आप वजह चैनल से पर नए फिर आए हैं मैंने तो चैनल क्या को किया सब्सक्राइब इसके कर लीजिए, साथ बाद ही साथ अगर कुछ आप, अपने और अगर आप चैनल पर नए डिलीवरी आए हैं तो बेसिस चैनल को जो भी हमने सब्सक्राइब, ट्रेडिंग ली थी, और अगर आप, तो डिलीवरी बेसिस पे हमने कुछ हेजेस वगैरह लगाए थे, जिसे हमने सेम डे में जो हमारी डिलीवरी की पोजीशन चल रही थी उसका हमने हेज लगाया था, फ्यूचर में शायद बाय सेल किया था, मेरे को उतना याद नहीं है। तो उसी दिन मैंने इंटर डे में ही उसे एग्जिट भी कर दिया था, मेरे को उसमें लगभग 4,000 रुपये चले गए थे। तो ओवरऑल मेरे को 10,000 रुपये का नेट क्रेडिट मेरे को अकाउंट में मिला है। देखिए आप, मैं अकाउंट भी दिखा रहा हूँ एंड वीडियोज में दिखा रहा हूँ, वीडियोज में तो आपने सामने लाइव देखा ही था 14 का प्रॉफिट। इसके बाद अब देखो, इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ क्या वो देखना बहुत जरूरी है। देखो 29 जुलाई के बाद क्या हुआ, 5 जुलाई को मैंने अपना सारा फंड विड्रॉ कर लिया, 1,69,560 इधर में से और इसमें से इतना, तो बचा कितना, जीरो। यहाँ भी देखते जाना, बैलेंस जीरो, मतलब 5 जुलाई को मेरा ये एंजल का अकाउंट पूरा हो गया खाली। ठीक है, 5 जुलाई के बाद मैंने सीधा 20 जुलाई को अकाउंट में पैसा डाला 5 लाख। ठीक है, आपको मैं लेजर भी दिखाते जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद देखो ये 20 जुलाई का ट्रेड, ठीक है, 20 जुलाई को हमने एक निफ्टी का फ्यूचर आई थिंक बाई किया था और पुट भी बाई किया था। ठीक है, ये मेरे डिलीवरी बेसिस ट्रेडर का हेजेस है, मैं काफ़ी 2-3 अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, तो कभी कभी हो जाता है कि मैं हर एक अकाउंट में हेज नहीं लगा सकता हूँ, तो इसके लिए मैं कि अपना और अदर अकाउंट भी यूज कर लेता हूँ, नॉर्मली इसे भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो, जब भी आप एक बार ध्यान रखना, जब भी आप ऑप्शन बाई करोगे, मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, अगर मैं रफली आइडिया बताऊँ ना आपको, तो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। अगर सपोज कर लो कि मान लो कि आपके अकाउंट में 1 लाख है, कितना है, 1 लाख है। ठीक है, अगर आपने एक पुट बाई के लिए या फिर एक कॉल बाई के लिए, जो सपोज कर लो उसका प्रीमियम होता है 100 रुपये, ठीक है, और अब तो 50 ही कॉन्ट्रीब्यू है, मैं 50 ले लेता हूँ, चलो ये 50 रुपये, 100 रुपये का प्रीमियम आपने कॉल या पुट कोई भी बाई करोगे ना, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, जब आप बाई करोगे ना तो आप पे प्रीमियम पे कर दो, तो आपका जो, जब तक इसे एग्जिट नहीं करोगे डिलीवरी में, तब तक ये अगले दिन आपका प्रीमियम कितना दिखाएगा, ये दिखाएगा आपका 95,000 ही दिखाएगा 1 लाख से, भले ही आप क्यों ना प्रॉफिट में हो, 100 रुपये बाई किया लेकिन आपका 110 पे प्रीमियम चल रहा हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है। जब आप बाइक, जब इसे आप क्लोज करोगे ना, तभी आपको आपका प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, अदरवाइज आपका जितना भी प्रीमियम आप बाइक करके रखे रहोगे उतना आपके अकाउंट से कट जाएगा। अगर वहीं आप सेल करके रखे रहोगे, मान लो सपोज को लेकर आपके अकाउंट में कितना है, 1 लाख है, और आपने 100 रुपये वाली प्रीमियम को सेल कर रखा है, 50 रुपये से ले लेता हूँ 50 क्वांटिटी, तो 5,000 रुपये अगले दिन ही आपको मिल जाएगा, मतलब अगले दिन आपका अकाउंट अगर डिलीवरी में काम कर रहे हो तो 1,05,000 रुपये का आपको दिखेगा बैलेंस। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आप 100 रुपये का सेल करें तो पूरा 100 रुपये का जीरो कर ही के मानोगे, आप मान लो कि 50 रुपये पर ही इसे बाई कर लेते हो। ठीक है, तो आपको ओवरऑल तो 2,500 का ही प्रॉफिट हुआ ना, तो जब आप सेटलमेंट पे जाओगे तो ये हो जाएगा 1,25,000 रुपये, हाँ 2,500 रुपये। ठीक है, ये नॉर्मली जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो समझते होंगे। तो जब आप डिलीवरी बेसिस ट्रेड लेते हो ना, तो ये पूरा सेटलमेंट उसको जब तक आप फाइनल एग्जिट नहीं करोगे तब तक दिखता है। तो ये मेरे को 5,400 रुपये का समथिंग का उस दिन मेरा अकाउंट से माइनस दिखा रहा है, क्योंकि मैंने डिलीवरी बेसिस ट्रेड लिया था, देखो उसके लिए यह दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये देखो ये अमाउंट विड्रॉल साफ साफ दिखा है ना, अमाउंट विड्रॉल मतलब आपने विड्रॉ किया, यहाँ पे अमाउंट रिसीव मतलब आपने अमाउंट पेड किया, ये नहीं, देखो ये जितने भी है ना ट्रांजेक्शन्स बिल करके आ रहे होंगे। अगर आप भी एंजल यूज करते हो ना, आप अपना बैलेंस लेजर खोलना, उसमें सब दिखा जाएगा, जो भी आप ट्रेड लोगे ना वो बैलेंस ट्रांजेक्शन बिल्स में ही आता है। ठीक है, तो ये उसका सीन है। और इसे मैंने एग्जिट कब किया था, इसे मैंने एग्जिट किया था 22 जुलाई को, ये मेरे हेजेस लगे थे किसी और ट्रेड के, तो इसे मैंने 22 जुलाई को एग्जिट किया था। अब आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ तो 5,000 का लॉस मेरे को दिख रहा है ना, लेकिन ये मेरे को 5,000 का प्रॉफिट दे जाएगा, वो कैसे मैं आपको दिखा दूँ। 22 जुलाई का ट्रेड मैंने देखो, उसके बाद देखो मैंने ट्रेड देखो कब लिया, मैंने 29 जून के बाद सीधे और सीधे 22 जुलाई को लिया, लगभग 1 महीने के बाद, उसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया है गाइस, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे छिपा लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया,
आई थिंक ऊपर होगा, हाँ जो मैंने रिसेंट कहा, देखो इसमें 14,118 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेरे को रिसीव कितना हुआ अकाउंट में वो देखो, वो हुआ 19,000 के समथिंग। ऐसा क्यों हुआ गाइस, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरे हेजेस लगे थे ना वो भी मेरे को रिसीव हो चुके थे, मतलब ये जो 5,000 रुपये कटे थे मेरे उसको भी हमने एग्जिट किया था और 14,000 का प्रॉफिट तो हुआ ही। तो 14,000 और प्लस 5,000 ये दोनों जुड़ के मिले को मिले, क्यों, क्योंकि गाइस ये मेरे को लॉस नहीं था गाइस, क्योंकि ये मेरे को मार्जिन सेटलमेंट था। जब डिलीवरी बेसिस आप ट्रेड एग्जिट करोगे ना तभी आपका पूरा मार्जिन अकाउंट में शो करता है, आप कभी भी बाई या सेल करके देख लेना ठीक है। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया रखा है, आप समझना हो तो आप वो देख लेना कि क्या आपका ब्रोकर, देखो ये पर्सनल ट्रेडिंग, क्या आपका ब्रोकर गलत प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप कुछ भी डाउट हो तो। तो इन केस मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक्सपायरी जो भी रिसेंट में ट्रेड लिया था उसको पता है, तो 14 का प्रॉफिट मैंने बुक किया था लेकिन आपको दिखा कितना रहा है 19,000 का, क्यों, क्योंकि ये जो 5,000 रुपये वाला था ना ये मार्जिन सेटलमेंट हुआ। कि आप देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि उसमें मैंने निफ्टी का फ्यूचर और निफ्टी का जो ऑप्शन बाय किया था उसे भी क्लोज किया है, कैंसिल किया है ठीक है। तो इसके वजह से वो मेरे को 14 का प्रॉफिट 19,000 का दिखा रहा है। अब मेन बात इसको छोड़ो, नंबर का बात छोड़ो, मैं बता रहा हूँ आपको मैंने कितने ट्रेड लिए। 23 जून को लिया वो भी मैंने आपको दिखाया, 28 जून को लिया वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, 29 जून को लिया वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, 22 जुलाई को जो ट्रेड लिया वो भी आपके साथ शेयर किया। तो गाइस मैंने ऐसा कौन सा ट्रेड आपके साथ हाइड कर लिया, अब इसमें 10 ट्रांजेक्शन दिखाता है, अदरवाइज मैं सबको दिखा देता, बकाया सबको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ठीक है। अब देखो एक 23 जून को लिया तो उसमें भी प्रॉफिट हो गया, 28 जून को लिया तो उसमें भी प्रॉफिट हो गया, 29 जून को लिया तो उसमें भी प्रॉफिट हो गया, 22 जुलाई को लिया तो उसमें भी प्रॉफिट हो गया। तो गाइस मैं लॉस आपको किधर से दिखाऊं, जो ट्रेड में मेरे को लॉस होता है ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है। देखो इस वाले ट्रेड में था ना ये जो 2,000 का प्रॉफिट था ना इसमें, ये मेरे को लगभग इसमें 1,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, बट मैंने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं की जिसकी वजह से ये मेरे को 2,000 का अंतिम में बचा। तो ये भी एक तरह से लॉस ही है, मतलब आपको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है ठीक है, 10K का प्रॉफिट दिख रहा है और आप बुक करने गए तो वो 2K का ही बचा, तो इसमें भी ओवरऑल 8,000 का लॉस ये समझ जाओ, लेकिन ओवरऑल आपका कैपिटल से नहीं कटा ठीक है। तो गाइस जरूरी नहीं है कि आप मेरे ट्रेड्स पर ज़्यादा ध्यान दो। अब मैं मेन टॉपिक पर आना चाहूँगा, ये देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लगभग 6,00,000 रुपये विड्रॉ कर लिए ठीक है, अमाउंट विड्रॉल, लेकिन मैंने डाले 5,00,000 रुपये। अब कुछ लोग मेरे जो भी मेरे को मार्जिन में जब भी दिखाता हूँ मेरा, जैसा कि मैं हर एक ट्रेड में दिखाता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे आपका कैपिटल कम होगा। गाइस तो देखो क्या है ना कि ट्रेड में समय समय पर कुछ हमारे डिलीवरी के भी ट्रेड चलते रहते हैं जिसको मैनेज करने के लिए कभी या तो फंड्स डालने भी पड़ सकते हैं या फिर कभी निकालने भी, वो एज अ समय के ऊपर है ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन गाइस ये आप समझ जाओ कि जितना भी मैं ट्रेड लेता हूँ रिटेल पब्लिक के हिसाब से वो मैं आपके साथ शेयर ही करता हूँ। और ये अकाउंट भी देख लो भाई, अकाउंट भी मेरा ही है, नहीं तो आप बोलोगे कि अकाउंट पता नहीं किसका दिखा दिया, तो मैं किधर से दिखा जाता है भाई, मैंने कभी देखा भी नहीं है, बट मैं दिखा दूँ आपको। हाँ देखो प्रीतम सिंह के नाम से अकाउंट है, आप गाइस नंबर वगैरह दिख गया, चलो ये प्रीतम सिंह का नाम से अकाउंट है, आप दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये मैं हाइड कर दूंगा नंबर वगैरह अपना। चलो प्रीतम सिंह, ये देख सकते हो मेरा नाम ही है, ये मेरा क्लाइंट आईडी भी है, और सारे वीडियो में आप मैच कर लेना वही अकाउंट मिलेगा, क्योंकि मैं अपने पर्सनल अकाउंट में ही केवल ट्रेड करता हूँ अभी कर। और जो मेरे एंजल का अकाउंट है ना ये मैं बेसिकली इसमें जो भी ट्रेड लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करने के लिए ही लेता हूँ। गाइस देखो मैं फुल टाइम ट्रेडर जरूर हूँ लेकिन मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं सारे ट्रेड्स का वीडियो मैं लगातार पब्लिक नहीं कर पाता हूँ, बट मैं एटलीस्ट इतना कोशिश करूँगा गाइस कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कॉन्टेंट हम शेयर कर सकें। गाइस तो अब आपको एटलीस्ट इतना तो पता चले गया होगा कि देखो फंड्स पर मेरे और फंड्स और मेरे ट्रेड से ज़्यादा ध्यान देना है आपको अपने ट्रेड पर, कि आप कैसे ट्रेड लेते हो, क्या आप को प्रॉफिट और लॉस होता है। तो आप सिंपली देखो मैंने ऑलरेडी जो चीज़ें आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं, देखो गाइस प्रॉफिट करना सभी लोग चाहते हैं लेकिन सीखना समझना उसके लिए टाइम देना किसी कोई नहीं चाहता है। तो गाइस आप थोड़ा सा मार्केट पर एटलीस्ट टाइम दो एंड देखो कि मार्केट में कैसे प्रॉफिट कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाऊँ। देखो ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रखा है आपके लिए ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने एक महीने बाद ट्रेड क्यों लिया, आप देख सकते हो, देख लो भाई फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ दो तीन बार, नहीं तो आप लोग सुबह कुछ ना कुछ माइंड में आपके चलता ही रहता है।
तो गाइस जून में तो हमने लगातार ट्रेड लिया, 23 को लिया, फिर 28 को लिया, फिर 29 को लिया, जो हमने शेयर किया आपके साथ, और उसके बाद सीधा हमने 22 जुलाई को लिया। गाइस इसका भी रीज़न क्या है कि मैं आउट ऑफ स्टेट था, कुछ पर्सनल काम की वजह से था। तो आई थिंक अब आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन देखो गाइस हमने ट्रेडिंग की वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन मैं जब भी टाइम मिला तो मैंने आपके लिए जो लर्निंग पर्पज से होता, जो ओरिजिनल लर्निंग पर्पज से वीडियोज होते, वो मैंने जरूर अपलोड किया। इधर ही बीच मैंने ऑप्शन सिम्प्लीफाइड कोर्स लॉन्च कर दिया स्पेशल फॉर बिगनर्स के लिए, जो ऑप्शन फिल्म में बिल्कुल नया ना, उन्हें जरूर से जरूर इसे वॉच करना चाहिए। हमने एकदम सब कुछ बेसिक से बताया, डिटेल में बताया। पर्सनल ऑप्शन सेलिंग करने है तो आप योली प्रेस्ट को वॉच करिए गाइस, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप योली प्रेस्ट को वॉच करिए। सेटअप स्ट्रेटजी सब कुछ हमने लाइव शेयर किया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपके साथ साथ एडजस्टमेंट भी शेयर कर दिया काफी बार। एक्सपायरी डे कौन सी स्टडी लगाएं, कैसे ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एवरीथिंग स्ट्रेटजी विद लाइव एडजस्टमेंट, कोई नहीं दिखाने वाला आपको पूरे यूट्यूब पर। ऑप्शन सीखना था योली प्रेस्ट को देखो गाइस, ये सब सारे पेड कंटेंट ही है, बट हमने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए शेयर किया ताकि आपको लगभग हर जगह लोग क्या, लोग गूगल पे जो भी चीजें होता है ना उसी थ्योरी आपको आगे बता देते हैं। तो गाइस मार्केट में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल काम आता है, इसलिए हमने जितने भी सारी चीजों को शेयर किया आपके साथ वो सारे के सारे प्रैक्टिकल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, एंड ये वीडियो बनाना मैं जरूरी नहीं समझता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैं कमेंट देख लिया, 2-4-5 लगभग जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कमेंट ये था जब मैंने एक महीने बाद ट्रेडिंग की वीडियो अपलोड की, तो लोगों का कमेंट ये था कि मैं केवल अपने प्रॉफिट वाले वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, लॉस वाले को अपलोड नहीं करता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने लॉस वाले वीडियो को भी अपलोड किया, जाइए आप चैनल पर देखिए। ठीक है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना है गाइस, आप कम भी ट्रेड करो और प्रॉफिट करके निकालो, उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा आज के लिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अभी हम और भी सारे देखो गाइस, हमारा मेन मोटिव है कि आपको अपने प्रॉफिट या लॉस ना दिखाकर आपको लर्निंग पर्पज से कितना हम अपने नॉलेज को शेयर कर सके आपके साथ, जिससे आप एटलीस्ट अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसे अच्छा से इम्प्रूव कर सके। एंड गाइस दो चीज़ों याद रखो आप, पहला दूसरे के बाद तो उतना ज़्यादा ट्रेड मत लेने का ट्राई करो, एंड दूसरा हमेशा अपने बड़े लॉस को अवॉइड करो, ठीक है। एंड कोशिश ये करिए गाइस कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को समझने का ट्राई करिए कि मार्केट कैसे वर्क करता है, कि आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जाता है तो कितना आपको लॉस हो सकता है, आपके फेवर में जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, एवरीथिंग। उतना टफ भी नहीं है, उतना ईजी भी नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो आप सीख जाओगे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।